फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज है दिन शनिवार का और सुबह का हो रहा है, अभी 9 बज रहे हैं। बच्चे अभी सोए हैं, आज स्कूल की छुट्टी है और मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने व्लॉग शुरुआत कर दी है और मेरे ना 3-4 दिन से व्लॉग इस समय ये महीने में मेरा व्लॉग प्रॉपर आया नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कोई काम करने का मन कर नहीं रहा है। तो आज सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैंने पूजा पाठ कर ली है और बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे चाय सब लोगों ने पी ली है, मैंने और मेरी सासू माँ ने। और मेरे हस्बैंड अभी अपना काम कर रहे हैं, मतलब वो फ्रेश हो रहे हैं और उसके बाद उनका जो भी नाश्ता है वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो आजकल ना मकाई बहुत अच्छा मिलता है और मैं अपनी जेठानी को हमेशा बोलती हूँ कि भाई ये मकाई तू नाश्ते में खाती है, तो आज मैं भी मकाई बना रही हूँ। मेरी सासू माँ देखे चाय पी के गिलास रखने आ रही थी तो उनके पैर से मुझे लग गया और मैं यहाँ बैठी थी ना, तो उनको पता नहीं तो बोल रही लग गया। मैं बोला नहीं, तो रास्ते में तो मैं ही बैठी हूँ, गलती तो मेरी ही है। और फ़ोन पे बात भी कर रही थी, मेरा फ़ोन आ गया था मायके से, तो मैं मम्मी से बात कर रही थी। और यहाँ पे मकाई को मैंने खोल के इसे फ्राई भी कर दिया, देखिए लहसुन मिर्चा और इसमें काली मिर्च ये सब डाल के बहुत अच्छा लगता है। और फिर पकने के बाद ना थोड़ा सा नींबू डाल दो तो सुबह मतलब नाश्ते में ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो किसको किसको पसंद है बताइएगा कमेंट में। और यहाँ मेरे बच्चे अभी तक सो रहे हैं। सोने सोने उठो, आपको पढ़ाई करना है ना। ये यहाँ पे उठ ही नहीं रही है, ये भी नहीं उठ रही है। सासू माँ ने चाय पी ली है और अभी तक दोनों बच्चे भी सोए हैं, उठ नहीं रहे हैं। हे गुन्नू, उठ जा बेटा। तो बच्चों को उठाने के बाद उसके बाद मैंने, मेरे हस्बैंड अभी घर पे ही थे और आज उनकी छुट्टी है तो आज मुझे कुछ काम करना है निपटाना, तो उन्होंने मेरे लिए ही छुट्टी ले रखी है। तो और बहुत दिन के बाद मेरे हस्बैंड मेरे ब्लॉग में भी आ रहे हैं तो इनकी मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, तो उसी के लिए ये मैंने उनको मतलब बुलाया है। तो ये जो ऊपर का जो गद्दा है और एक नीचे गद्दा है, तो ऊपर जो 40 kg का ये गद्दा है और ये रुई का गद्दा है, दोनों ही हम लोगों को, मेरे को और मेरे हस्बैंड को फोम वाला गद्दा मतलब पसंद नहीं है, तो ये दोनों ही कॉटन वाले रुई का मेरे बेड पे ये गद्दा है। तो जो ऊपर वाला था ना बहुत मोटा था और इस पे सोते सोते थोड़ा सा पतला हो गया यूज़ करते करते, मतलब और कोई भी चीज़ यूज़ करो रुई वाली तो बैठ जाती है ना, तो बैठ गई थी। तो उसके नीचे वाला जो ये पतला गद्दा था तो इसे उठा के हम लोगों ने सोचा कि इसे ऊपर करेंगे और जो मोटा वाला था उसे नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो बेड का कोना कोना था ना, यहाँ पे अंदर मकड़ी चल रही थी और बाकी तो सब बंद ही रहता है बेड, तो फिर भी थोड़े बहुत झाले थे, तो वही पोछे से मेरे हस्बैंड उसको पोछ दे रहे हैं और नीचे का गद्दा ऊपर, ऊपर का नीचे करेंगे। ऐसे करने से ना क्या होता है ना कि गद्दा कोई कोई जो एकदम बैठ जाता है, कोई वो धुनाई हो जाती समझो, तो मतलब एक ही डायरेक्शन में गद्दा कभी भी नहीं रखते, चाहे फोम वाला हो चाहे कॉटन वाला हो, जो आप कोई भी यूज़ कर रहे हो तो उसका ना डायरेक्शन चेंज करना चाहिए हमेशा, जिससे कि आपको सोने में भी कम्फर्टेबल रहे और जो एक जगह ना यूज़ करते करते वो पचक जाता है, मेरी लैंग्वेज में वो बैठ सा जाता है। तो एक ही जगह हम जहाँ अपनी जगह पे सोते हैं उस जगह पे जहाँ शरीर की वजन ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ वो बैठ जाता है, तो बस उसी के हिसाब से आज मैंने, मेरे हस्बैंड ने पूरा बेड को पूरा चेंज करके कुछ अलग सा कर दिया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि को पुराने वाले गद्दे पे थोड़ा सा नीचे जो ये नया बेड था ना तो उस पर ये डाला था तो कलर लग गया था थोड़ा सा, तो मेरे हस्बैंड ने ये ऊपर नीचे दोनों एडजस्ट करके गद्दा गए और मैं इस पर भी बेडशीट बिछा दूँगी।
पूरे घर में यहाँ पे ना जब ये गद्दे वद्दे का काम करो ना तो बहुत सारे ना झाले नीचे गिर जाते हैं, धूल हो जाती है। हम लोग को लगता है कि हमारा बेडरूम बहुत साफ़ है, घर बहुत साफ़ है, लेकिन आप जब झटकते फटकते काम करते हो ना, या तो वैक्यूम क्लीनर होनी चाहिए जो कि सारा डस्ट खींच ले, या तो फिर अगर पूरा घर में पूरा धूल धूल हो जाता है। तो आज मैंने गद्दा फटकाना बहुत ज़्यादा इसे झाड़ा है, तो नीचे ना मैं बता नहीं सकती कि कितनी किरकिरी किरकिरी जैसी हो गई थी। और कल शाम को मैंने नाइट में बनाया था ये बट्टी, तो बट्टी का ओवन मैंने मतलब लिए सूख गया था, मैंने इसे बर्तन धो के फिर से इसे अंदर रख देती हूँ क्योंकि इसे किचन में इसकी जगह है नहीं इतने बड़े जगह की, तो इसे यहीं पर मैं रखती हूँ। तो इडली का कुकर हो गया, ये हो गया, और पानी का जग हो गया, ये सब मैं यहाँ पर रखती हूँ जिससे कि इसे कभी कभी यूज़ में आते हैं सब बर्तन, तो इसे यहाँ रखती हूँ। बेड वीड में नहीं रखती हूँ क्योंकि बेड पर हम लोग सोते हैं तो उसमें बर्तन मुझे अच्छा नहीं लगता। आजकल सभी अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है सभी की, तो इसके लिए मैंने एक वायरल हैक देखा, मतलब अपने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे उसके बारे में मैंने देखा है कि अल्प्स गुडनेस का ये रोजमेरी वाटर है, तो इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। और सिलिकॉन फ्री है, सल्फर फ्री है, पैराबिन फ्री है, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। तो इसके बारे में मैंने बहुत सोचने के बाद में इसे मैंने ऑर्डर किया, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफ़ कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे इस तरीके से तो ये स्प्रे होगा, और ऐसे लॉक कर देंगे तो नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। तो इसे अनलॉक करते हैं और चलते हैं। इसका बहुत ही अच्छा स्मेल है, फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने बालों में, इसे फर्स्ट टाइम अपने बालों में यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसे सिर्फ अपने बालों में मैक्सिमम अमाउंट में यूज़ करना है, मैक्सिमम अमाउंट में इसे यूज़ करना है, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो। तो इसे मैं पार्टिसिपेंट कर करके, ये देखिए यहाँ पे स्प्रे करना है आपको पूरे क्रिटिकल में, और उसके बाद में ऐसे बोला जाता है कि इसका मतलब क्लेम ये कर रहा है कंपनी कि आपका जो भी अगर डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, तो सब कुछ स्टॉप होता है इससे, और क्या बात है, ग्रेनेस हेयर है, सारे प्रॉब्लम दूर करता है। अगर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट चाहिए तो आप डायरेक्टली रोजमेरी का वो जो लीफ आता है ड्राई लीफ, उसे आप लेके वाटर में उसे उबाल के छान के ठंडा करके आप यूज़ कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए, तो वो सब झंझट से अच्छा। तो मैंने डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मंगा लिया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसे मैं अपने पूरे बालों में पहले यूज़ करूँगी। और बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद में क्या होता है ना कि बाल को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, और उसका क्या बेनिफिट है, अभी मैं इसे सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, जिस दिन आया था मैंने उस दिन यूज़ किया था, और आज सेकेंड डे है। और इसे लगा के ना अपने बालों को अच्छे तरीके से मसाज करना है, अल्टरनेट डेज पे इसे लगाना है, और आप दो या तीन बार हफ्ते में अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, इसे लगा के भी डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही स्प्रे करना है और अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से जेंटली मसाज करना है।
तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे और इसे मतलब दो दिन से ये कपड़े भी रखे हुए थे, सब छोटे छोटे कपड़े थे, तो इसे मैं तह लगा दे रही हूँ। और ये बाकी के जो सारे काम है ना वो सारे हो चुके हैं, बस यही सारे कपड़े को मुझे तह लगाना है, जो कि ये बहुत बड़ा टफ़ काम है। क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे सारे कामों में से मैं सारे काम जो होता है ना मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो ये है कि कपड़ों का तह लगाना वही बस मुझसे नहीं होता है, क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा टफ काम लगता है कि छोटे छोटे कपड़ों को मतलब एक एक करके इसे घड़ी करना। ये सब काम मैं अपने बच्चों को देती हूँ, बट अभी बच्चे बिजी हैं या ट्यूशन गए हैं, स्कूल गए हैं, ऐसा कुछ काम होता है तो बच्चों को टाइम नहीं होता। और अभी तो फ़िलहाल बच्चों के चल रहे एग्ज़ाम, इसके वजह से मैं और भी बिज़ी हूँ, ब्लॉग भी प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, काम का प्रेशर भी बढ़ गया है मुझ पर, क्योंकि अभी मैं बीमारी से उठी हूँ और आजकल मुझे पता नहीं क्यों मेरे बहुत ज़्यादा वीकनेस है और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अपना वज़न कम कर दिया इसकी वजह से। तो यहाँ पे मेरा जो वेसिंग है ना इसे मैं वीकली इस पे हार्पिक में डाल देती हूँ, हार्पिक डाल के 5 मिनट छोड़ के तो इसे मैं ब्रश से अच्छी तरीके से फिर घस देती हूँ, जिससे कि इसमें एक बहुत अच्छी तरीके से साइन आ जाती है। नहीं तो क्या होता है ना कि हम लोग इसमें डेली के डेली या मतलब ब्रश करते हैं, हाथ हमेशा इसी में धुलाता है, बच्चे दिन भर हाथ धोते रहते हैं तो ये थोड़ा सा पीला पीला हो जाता है, अलग सी मतलब इसकी जो शाइनिंग है वो नहीं होती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा हार्पिक डाल के धो देती हूँ ना, टाइल्स वगैरह में थोड़ा सा हार्पिक लगा दो तो बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज और हाँ, मैंने आप लोगों से बाय तो कर लिया, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को नहीं बता पाई कि मैं आपने जो भी ब्लाउज़ है भाभी को देती हूँ सिलाने के लिए, मेरे पास में ही भाभी हैं और देखिए बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन वो ब्लाउज के सिलती हैं। तो मैं आज अपना कुछ ब्लाउज़ दी थी क्योंकि तीज आने वाला है, तो ये मेरी फ्रेंड प्लस भाभी दोनों ही हैं तो घर पर ही ब्लाउज़ सिलती हैं और बहुत अच्छा डिज़ाइन जैसा बोलो वैसा सिल के देंगी, बहुत प्यारा डिज़ाइन सिलती हैं। तो मैं आई थी अपना
ब्लाउज यहाँ इनसे लेने, थोड़ा सा ढीला था तो मैं वेट कर रही थी इनका कि ये दें तो मैं जाऊँ। और फिर उसके बाद में हम लोग चले गए थे, मतलब रोड पे इतनी क्राउड थी क्योंकि गणपति पप्पा आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है तो बस उसी के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे जूड़ियों में, क्योंकि कल कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कल के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्पेशल क्या है। तो मैं माँ बेटी आ गए थे जूड़ियों और मिलते हैं कल। बाय।